स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्वर संधि के पांचवें भेद यानी दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का टॉपिक है दीर्घ संधि। इसमें यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में आने वाला स्वर ए अथवा आ उमा ई अथवा बड़ी ऊ अथवा बड़ा ऊ तथा री या बड़ा री में से कोई स्वर हो तथा उसके साथ दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में आने वाला स्वर समान स्वर का मतलब होगा जैसे ए या आ रहा है तो इसके सामने ए या आ दोनों में से कोई एक स्वर आएगा। जैसे ई और ई आ रहा है तो दोनों में के सामने ई या छोटी बड़ी ई में से कोई एक आएगा, इसको कहते हैं समान स्वर। समान स्वर हो तो संधि होने के बाद दोनों स्वरों के स्थान पर क्रमशः दीर्घ स्वर आ बड़ी बड़ा ऊ बड़ा री हो जाता। उसकी ट्रिक है ए अथवा आ प्लस ए अथवा आ दोनों को मिलाने पर स्वर बनेगा आ। इसी तरीके से ई अथवा बड़ी ई के सामने ई अथवा बड़ी ई दोनों में से कोई आए तो स्वर बनेगा बड़ा ई। इसी तरीके से उ अथवा बड़ा उ के साथ उ अथवा बड़ा उ में से कोई स्वर आए तो संधि होने के बाद बनेगा बड़ा उ। इसी तरीके से री अथवा बड़ा री के साथ री या बड़ा री में से कोई स्वर आए तो संधि होने के बाद बनेगा बड़ा री। आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में है जैसे यथा प्लस अर्थ है, यथा प्लस अर्थ है। इसमें था में स्वर आ रहा है आ, आ के साथ में समान स्वर है ए, तो दोनों स्वरों को मिलाने पर नवीन स्वर बनेगा आ। यहाँ पे रह जाएगा ये थे प्लस आ प्लस थे, तीनों को मिलाओगे शब्द बन जाएगा यथार्थ। ऐसे ही ई और ई का एग्जांपल लेते हैं अपन, श्री प्लस ईश।
इसमें स्वर आ रहा बढ़ाई, सामने स्वर है बढ़ाई, दोनों को मिक्स करोगे स्वर बन जाएगा बढ़ाई। यहाँ पे रह गया स्रे प्लस बढ़ाई प्लस से, तीनों को मिलाओगे क्या बन जाएगा श्री से। ऐसे एग्जांपल है वधु प्लस उत्सव, वधु में छोटा ऊ तो सामने छोटा ऊ, दोनों को मिलाओगे क्या बन जाएगा बड़ा ऊ। ठीक है, यहाँ पे देखिए वध है बड़ा ऊ प्लस आदत से वह, तीनों को मिक्स करोगे सब बन जाएगा अपने पास वधुत्सव। तो तवी का एग्जाम्पल लें, तवी का एग्जाम्पल आएगा पित्री प्लस ऋणम, पित्री प्लस ऋणम, यहाँ पर स्वर है अपने पास री, इधर स्वर है री, री और री दोनों को मिलाओगे तो बन जाएगा बड़ा री। यहाँ पे रह गया पी प्लस बड़ा री प्लस ऋणम, तीनों को मिलाने से शब्द बनेगा ऋणम। तो ये हो गई अपने दीर्घ स्वर जी दीर्घ संधि जो समान स्वर के साथ होती है। इसके बाद नेक्स्ट अगला पार्ट आता है वो है पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि। इसके अंतर्गत पहले शब्द के अंत में आने वाला स्वर ए तथा ओ में से कोई हो तथा इसके साथ दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में आने वाला स्वर ए वर्ण हो, ओनली ए वर्ण। तो संधि होने के बाद पहले शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में आने वाले स्वर आने वाले स्वर है कि स्थान पर, ये ऐसा निशान होता है जिसको अपन बोलते हैं अवग्रह, अवग्रह का निशान लगाया जाता है जिसका उच्चारण, जिसका उच्चारण ए ई होता है तथा
दोनों शब्दों को मिलाकर लिखा जाता है। इसकी ट्रिक हो गई, इधर आएगा ए अथवा ओ में से कोई स्वर, सामने आएगा ए, तो संधि होने के बाद इधर ए या ओ ऐसे कैसे रहेगा, प्लस ए के स्थान पर बन जाएगा अवगले का निशान। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, वने प्लस अत्र, वने प्लस अत्र, यहाँ पर स्वर है ए, इधर सामने स्वर आ रहा है ए, तो एक एक के साथ में ए आ रहा है, तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, अवग्रह का निशान, अवग्रह का निशान हो जाएगा। तो इधर वनी वनी प्लस अवग्रह का निशान प्लस त्र, इनों को मिला दो, वनी अत्र, यानी उच्चारण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल अपने पास को प्लस अपी, यहाँ पर स्वर आ रहा है ओ, सामने स्वर आ रहा है ए, ओ के साथ में ए आ रहा है, तो ए बन जाएगा अवग्रह का निशान। यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं है, जैसे को का को प्लस अवग्रह प्लस पी, तीनों को मिला दो, को अपी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हरी प्लस ऑफ, यहाँ पर स्वर है ए, सामने स्वर है ए, ए को अवग्रह में चेंज कर देंगे, इधर कोई परिवर्तन नहीं होगा, हरी प्लस अवग्रह प्लस वह, तीनों को मिला दो, हरी ऑफ। आगे समझो, नेक्स्ट संधि का पार्ट रह गया, वो है सातवां पार्ट है, जिसका नाम है पररूप संधि। पररूप संधि में आप लिखोगे यह है संधि पूर्व रूप संधि की विपरीत संधि होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसका उल्टा आएगा, जैसे इधर इसमें ए और ओ पहले था और ए बाद में था, इसमें ए पहले आएगा और ए और ओ बाद में आएगा, इसलिए इसको विपरीत संधि कहा जाता है पूर्व रूप की, जिसमें प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में आने वाला स्वर उपसर्ग एकारांत होता है तथा इसके साथ दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर ए या ओ स्वर में से कोई ओ तो संधि होने की उपसर्ग के
अंत में आने वाले स्वर है का लोप कर दिया जाता है तथा उसकी स्थान पर दूसरी शब्द की प्रथम वर्ण में आने वाले स्वर को मिलाया जाता है। इसकी ट्रिक हो गई, पहले शब्द के अंत में आएगा एकारांत उपसर्ग, उसके बाद स्वर आएगा ए अथवा ओ, संधि होने के बाद एकारांत स्वर का लोप प्लस ए अथवा ओ। इसके एग्जांपल है उप प्लस ओ सती। यहाँ पर उप उपसर्ग है, इसका अंतिम वर्ण में आने वाला स्वर है ए, सामने है ओ। अब ए के सामने ओ आ रहा है तो ए का तो क्या कर देंगे, हटा देंगे इसको, तो इसको तो लोप हो जाएगा। तो यहाँ पे रह गया उप प्लस ओ प्लस सती, तीनों को मिलाओगे शब्द बन जाएगा अपने पास उपोसती। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल है प्र प्लस एजते, प्र में उपसर्ग आ रहा है ए प्लस ए, ए के सामने है तो ए का क्या कर दोगे लोप, यहाँ पे रह गया प्र हलंत प्लस ए प्लस जते, तीनों को मिला दो शब्द बन जाएगा अपने पास प्रेजते। आप नीचे दिए गए एग्जांपल सॉल्व करेंगे, मैं लिख देता हूँ। जैसे पहला है अतीव, पहला है अतीव, दूसरा रत्नाकर, पान उत्सव है, तैयारी नंबर पांच है, शशांक है, विष्णु प्लस अत्र, आठवां है प्लस सेकेंड पार्ट भी है जिसके अनुसार यदि किसी
शब्द की अंत में व्यंजन वर्ण के साथ हलंत लगा हुआ हो और उसके साथ दूसरे शब्द की प्रथम वर्ण में ए स्वर हो तो संधि होने के बाद को पूर्व स्वर जो अंतिम वर्ण में है में मिलाया जाता है। जैसे एग्जांपल आ गया आपने पतत प्लस अंजलि, पतत प्लस अंजलि, इसमें अंतिम में तय सामने ए आ रहा है तो तय पूरा हो जाएगा, सब बनेगा अपने पास। एक तय का इसमें लोप हो जाता है तो अपने पास शब्द बनेगा पतंजलि। ये एग्जांपल आपको ऐसे कैसे ही याद करने हैं। जो से आ गया मनस प्लस ईशा, तो इसमें ई, इसमें अंतिम वर्ण का लोप भी होता है, लिख लो इसमें प्रथम शब्द की अंतिम वर्ण का लोप किया जाता है और से पहले वाले वर्ण के साथ संधि की जाती है। जैसे मनस प्लस ई हो गया तो से का तो क्या हो जाएगा लोप, ते का लोप हो गया दूसरा तय आएगा, तो बस मैं ने, ने मन प्लस ई प्लस सा, तीनों को मिला दोगे शब्द बन जाएगा मनीषा। समझ गया? इस तरीके से एक तो एग्जांपल और है जो आपको याद ही करने हैं केवल, जैसे कुल प्लस अट्टा, इसमें लोप नहीं होगा लेकिन ये शब्द बन जाएगा अपने पास उल्टा। ऐसे ही है शक प्लस अंधु, इसमें भी किसी का लोप नहीं होगा, शब्द बन जाएगा अपने पास सकंधु। ठीक है, धन्यवाद।